नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है। शिव भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस खास दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा मुहूर्त की शुरुआत 8 मार्च 2024 की शाम 6:30 से लेकर 9 मार्च 2024 की सुबह 3:40 तक रहने वाली है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और व्रत का पालन करते हैं। कुछ फलाहार के साथ व्रत का पालन होता है, लेकिन दोनों स्थिति में पूजा विधि एक समान ही होती है। महाशिवरात्रि पर हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर लोग दर्शन के लिए भोलेनाथ के दर पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो काशी की है, यानी बनारस वाराणसी की ये तस्वीर है, जहां शिव भक्तों का तांता लगा हुआ। उसके बाद लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, गाजियाबाद, बागपत, हरिद्वार और लक्सर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अब आपको सीधा हम गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में। सुभावती शर्मा, सीला जी, अब मैं पूरी विनम्रता व सम्मान के साथ आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम, जिसका संयोजन, नियोजन और आयोजन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के संपन्न हो रहा है, उसके प्रणेता व सूत्रधार राष्ट्र के जर्मन के नायक लोक कल्याण हेतु अपने जीवन के एक एक पल की संविदा राष्ट्र जीवन को समर्पित करने वाले अपने अहर्निष्ठ कठोर परिश्रम व ऐतिहासिक कारण से प्रदेश देश व विश्व को चुनौती करने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी विश्व विख्यात माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को सभी अपना आशीर्वाद देने व मार्गदर्शन हेतु सादर आमंत्रित कर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, पिपराई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, संकाय अध्यक्ष नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय डॉक्टर टीएस आजेता जी, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार के निदेशक कर्नल डॉक्टर राजेश बहल जी, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ
विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और महानुभाव, आज शिवरात्रि का पावन पर्व भी है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी। इन दोनों दिवसों की आप सबको हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने दोनों आयोजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय की पहल भी है, शासन की पहल भी है, समाज के पर्व त्योहारों का भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस पर्व की महत्व है, इन सब को ध्यान में रख करके आज महिला सम्मान, उनका स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई मशीनों को 221 ऐसी जो अगल बगल की महिलाएं हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया, उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन्हें यह उपलब्ध कराया जा रहा है मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है माणा प्रताप पीजी कॉलेज जगदल दूषण के ऐसे प्रशिक्षकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही, यानी पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ साथ, अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। वास्तव में संस्था के पीछे का उद्देश्य ही यही है, हम समाज के सापेक्ष बने, समाज के निरपेक्ष नहीं। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, उसका भी हमारे निर्माण में कुछ योगदान है। कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ इस विकास के अभियान का हिस्सा बना हुआ है। हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अक्सर होता क्या है, हम संस्थाएं बनाते हैं लेकिन वे संस्थाएं स्थानीय सोसाइटी के साथ संबंध नहीं रख पाती, उनसे निरपेक्ष हो जाती है और परिणाम क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यहां पे कोई संस्था है या नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर विश्वविद्यालय अपने चिकित्सालय के माध्यम से, यहां के जो आयुर्वेद और मेडिकल के जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके माध्यम से, नर्सिंग और पैरामेडिकल के, फार्मेसी के जो छात्र हैं उनकी मदद से, अगल बगल के क्षेत्रों में हेल्थ कैंप के आयोजन के साथ साथ चिकित्सालय परिसर में भी, विश्वविद्यालय परिसर में भी समय समय पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है, तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इससे अच्छा आयोजन हो ही नहीं सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए भी, महिला सम्मान के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी आज ये 221 महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद इस सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया, देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार के योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृवंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम
चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जो जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती है। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के और लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं ही परिचित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है, और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेने और खासतौर पर बालिकाओं के लिए, 2 करोड़ बालक और बालिकाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीकी जिससे वह सक्षम हो सके, तकनीकी जिससे उस व्यक्ति के सामने देश और दुनिया को जानने का एक अवसर हो सके, इस दृष्टि से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में कर रही है। ये नया भारत है, और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। आज विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, जो कभी कल्पना ही नहीं करता था उस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आज के दिन पे गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं, अभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी हमने शिलान्यास किया है। पराली किसान की आमदनी का जरिया बन सकता है, उसको आग नहीं लगाना है, इसका कार्य भी आज ही हम उसका उद्घाटन करके भी धुलियापार से, मैं वहीं से आ रहा हूं, आज उस प्रकार का एक प्लांट गोरखपुर में स्थापित हुआ है, जहां से कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी, किसान की आमदनी को और गोबर का अतिरिक्त काम भी किसान को प्राप्त होगा। पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही बहुत सारी स्कीम है, निराश्रित को आश्रय स्थल भी चल रहे हैं, निराश्रित को आश्रय स्थल के साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई किसान अपने घर में 4 पशु तक रख सकता है, 2 वंश रख सकता है, उसके लिए हर परिवार को हम लोग 6,000 रुपए तक उपलब्ध करा रहे हैं। यानी एक गाय का रखेगा कोई व्यक्ति निराश्रित को आश्रय स्थल से तो उसको 1500 रुपए, 4 रखेगा तो 6,000 रुपए महीने सरकार उसको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। यानी आम की आम कुटली के दाम, आप गाय को रखिए, गाय का दूध भी पीजिए, सरकार उसका पैसा भी आपको देगी और साथ साथ पुण्य भी मिलेगा, और गाय का गोबर बेचिए उससे भी आपको पैसा प्राप्त होगा। हर एक चीज के कहीं ना कहीं सरकार ने इस रूप में जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाई जा सके, उसके जीवन में स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और आज इसी दृष्टि यहां पर महावीर गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम प्रायोजित यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अगल बगल के गांवों को सोनवर्षा, बालापार, सिकटौर और आसपास के गांवों को ही केंद्रित करते हुए
इस सिलाई कढ़ाई की मशीन को उसको उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मैं तो विश्वविद्यालय से चाहूंगा कि वह प्रशासन के साथ बातचीत करें, एफपीओस का गठन करें, या फिर यहां पे महिला स्वयंसेवी समूह गठित करते हुए हमें यहां पे प्रयास करना चाहिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे हम लोग एक बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से मार्केट से इनका लिंक, मार्केट से अगर जुड़ जाएंगे, हर महिला प्रतिमा 7 से लेकर 10,000-15,000 रुपए कमाने का कार्य करेगी और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली आएगी, उनकी पे कैपेसिटी बढ़ेगी तो समाज में आर्थिक स्वावलंबन, समाज स्वतः आगे बढ़ेगा और समाज की व्यवस्था तो इसी रूप में आगे बढ़ती है। हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आयोजित किया है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ, विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। आप सबके शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यह प्रांगण कितना सौभाग्यशाली है कि हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री जी का एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा के रूप में आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य, परम आदरणीय महाराज। अब मैं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय की संकायाध्यक्ष सुश्री डॉक्टर डीएस अजीठा जी को आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Good evening to all. I deem it's a great honor and privilege to propose vote of thanks on this special memorable occasion of distribution of same. तो निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनको आप सुन रहे हैं। बढ़ते आगे, आज महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और काशी इस समय बम बम बोल रही है। काशी के तमाम बड़े और छोटे मंदिरों में जो है प्रातः काल से ही शिव भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। अगर हम मंदिर प्रशासन के की बात करें तो उनके अनुसार लगभग 10 लाख जो दर्शनार्थी आज बाबा विश्वनाथ के धाम में मत्था टेकेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। स्थानीय पुलिस के अलावा CRPF और सैनिक बल के जवान जो है चप्पी चप्पी पे तैनात हैं। साथ ही खुफिया तंत्र भी पूरा जो है सक्रिय है। समाज सेवी संगठन भी जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि काशी में जो है देश विदेश से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन पाते हैं। साथ ही यहाँ की एक और भी परंपरा है कि जो शिव बारात निकलती है उसमें भी लोग शिरकत करते हैं, उसको भी देखते हैं। तमाम जो भक्त हैं इनसे हम बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं भैया? जी हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, पहली बार आ रहे हैं क्या शिवरात्रि? हाँ, शिवरात्रि पहली बार। कब से लगे हैं लाइन में भैया? लाइन से 4:30 बजे लाइन में लगे हैं। आप सभी दिल्ली से आए हैं? आप लोग भी पहली बार दर्शन करने आए हो? शिवरात्रि पे पहली बार आए हो? तो देख सकते हैं दिल्ली से आए हैं, तमाम जगह से लोग आए। आप कहाँ से हैं भैया? साथ में ही आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं? मुंबई बनारस से आए हैं। पहली बार शिवरात्रि के दर्शन कर रहे हैं? हाँ, पहली बार। कितनी देर से हैं लाइन में खड़े हुए? 4 बजे से खड़े हैं। 4 बजे से खड़े हैं। देखिए, कई कई घंटों से लोग खड़े हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो रेला उमड़ा हुआ है, यहाँ पे भीड़ उमड़ी है बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के लिए। आप देख सकते हैं ये भदौलिया चौराहा हमारे ठीक पीछे है और ये मार्ग जो बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर जा रहा है, गेट नंबर 4 की ओर जा रहा है, वहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। उसके अलावा हम जो पुराना मार्ग है वहाँ से भी प्रवेश दिया जा रहा है और हम बात करें तो ललिता घाट से भी प्रवेश दिया जा रहा है। कुल मिला के लगभग 4 जो मार्गों से बाबा
विश्वनाथ के धाम में लोगों को जो प्रवेश दिया जा रहा है, और अगर अभी तक की बात करें तो लगभग हम बात करें तो 2.5 से 3 लाख जो श्रद्धालु अभी तक जो है दर्शन वो कर चुके हैं, और ये क्रम जो है रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। अब बात करें मंदिर प्रशासन के अनुसार लगभग 10 लाख के आसपास जो श्रद्धालु आज बाबा विश्वनाथ के शीश नवाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस के पंकज चतुर्वेदी। फिलहाल हमारे इस कास्ट प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।